हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp में ब्रॉडकास्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ब्रॉडकास्ट क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर दिए गए 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस पे टच कर लेना है। तो दोस्तों आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी बंदे को एक बार में मैसेज करना है, एक ही मैसेज, उस बंदे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जितने भी बंदे को चूज करेंगे वो न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। दोस्तों आपको जिस बंदे को ऐड करना है यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिसका भी नाम सर्च करना है यहाँ से नाम सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप अपना नाम सर्च करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने नंबर को चूज़ कर लें। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी दोस्तों आपने जितने भी बंदे को न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने बंदे को वो ऐड किया है आप उन सबको एक बार में यहाँ से मैसेज कर पाएंगे। दोस्तों आप इस मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक जो भी आप टाइप करेंगे, आप यहां से जो मैसेज सेंड करेंगे जितने भी बंदे इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होंगे उनके पास ये मैसेज चले जाएंगे। दोस्तों आप इस तरीके से न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट को कैसे से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इस तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।